दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल इनके खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देते हुए भड़काऊ बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। इन नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति की जाति को लेकर बयान दिया था, जिसका उद्देश्य समुदायों और समूहों के बीच विद्वेष पैदा करना और भारत सरकार के खिलाफ माहौल खराब करने का प्रयास करना है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मैं यह शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दर्ज करा रहा हूं, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का उल्लेख करके समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मकसद से भड़काऊ और अपमानजनक बयान दिए हैं। खड़गे और केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान जानबूझकर भारत के राष्ट्रपति की जाति का उल्लेख करने के उद्देश्य से दिए गए। यह दर्शाने के उद्देश्य से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार ने जानबूझकर राष्ट्रपति को संसद की नई इमारत के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया है। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सरकार को घेरा और कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलित और जनजातीय समुदायों से राष्ट्रपति केवल चुनावी वजहों से बनाती है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि दलित समाज पूछ रहा है कि क्या उन्हें अशुभ मानते हैं, इसलिए नहीं बुलाते। आम आदमी पार्टी के स्तर पर भी इस मामले में बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल दागे गए। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि राम मंदिर के शिलान्यास पर भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था, न ही संसद के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवाया जा रहा है।